दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि सर पैनिंग फोटोग्राफी क्या होती है, उसके लिए कौन सा लेंस अच्छा होता है, किस तरह की कैमरा सेटिंग्स हमें करनी चाहिए और किस तरह से जो है हम एक अच्छा एक पैनिंग शॉट ले सकते हैं। अब बेसिकली पैनिंग फोटोग्राफी ही होती है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो होता है बिल्कुल फोकस के अंदर और जो बैकग्राउंड है वो होता है मोशन के अंदर। तो इसे करते कैसे हैं तो आज पूरा डेमो के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पैनिंग फोटोग्राफी के लिए कुछ शर्तों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लेंस की। अब अगर आपको अच्छी पैनिंग शॉट्स लेने हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक लॉन्ग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लॉन्ग लेंस से मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो आइडियल है 135mm से लेके 200 तक की फोकल लेंथ पे आपको अच्छे खासे पैनिंग शॉट्स मिल जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी फोकल लेंथ यूज़ करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे पैनिंग शॉट्स मिलेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 135mm फोकल लेंथ का लेंस, जो काफ़ी लॉन्ग लेंस है, परफेक्ट रहेगा इसके लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सब्जेक्ट और जो कैमरा है लेंस, ये इस तरह से एक सिंक में होना चाहिए। देखिए इस तरह से, तो आप देख पा रहे हैं अगर सिंक में है तो आप बहुत अच्छे पैनिंग शॉट्स ले पाएंगे। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके लेंस से ना तो ज़्यादा दूर होना चाहिए ना ही ज़्यादा पास होना चाहिए, यानी कि एक सही डिस्टेंस के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट को शूट करना है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये कि जब भी आप पैनिंग फोटोग्राफी करें तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने फ्रेम को फिल करें, तभी आपके जो पैनिंग शॉट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। अभी आपको मैं पूरा डेमो करके दिखाता हूँ। अब पैनिंग शॉट लेते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आप पैनिंग फोटोग्राफी करें तो हमेशा आपके जो लेंस की मूवमेंट है वो या तो होनी चाहिए आपकी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। आप कभी भी जो शॉट है वो सामने से आते हुए सब्जेक्ट का ना लें, क्योंकि अगर आप कुछ सामने से आते हुए सब्जेक्ट का लेंगे तो सिर्फ आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा, आपको जो पैनिंग इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। यानी कि आपको इस तरह से कैमरा को मूव करना है या इस तरह से कैमरा को मूव करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैनिंग फोटोग्राफी में होती है वो होती है दोस्तों आपकी कैमरा सेटिंग्स। अब कैमरा सेटिंग्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम पैनिंग शॉट्स लेते हैं, पैनिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने कैमरा को सीधा सीधा जो है सेट करना है शटर प्रायोरिटी मोड पे। अब शटर प्रायोरिटी मोड पे इसलिए क्योंकि हम कोई भी एक्शन को फ्रीज कर रहे हैं और वहाँ पर हमको जो बैकग्राउंड है उसमें मोशन को दिखाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप बाइसाइकिल को शूट कर रहे हैं या किसी बाइक को या किसी कार को या कोई भी चीज़, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शटर स्पीड जितनी स्लो रहेगी उतना बेटर रहेगा। तो ज़्यादातर जो बाइक होती है यानी कि बाइसाइकिल होती है उसकी 10 से 15 के बीच में स्पीड होती है, मोटर बाइक है, स्कूटर है तो उसकी करीब करीब 20 से 30 के बीच में रहती है। सो आइडियल शटर स्पीड रहती है 30। तो मैं यहाँ पर 30 शटर स्पीड अभी रख रहा हूँ, बट आप जिस भी चीज़ का पैनिंग शॉट ले रहे हैं उसकी थोड़ी सी आप देखिए किस स्पीड से वो जा रही है, शटर स्पीड आप उतनी रखेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑटो फोकस जो है वो कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे रखना है, यानी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जब हम पैन करेंगे अपने कैमरा को या लेंस को तो ऑटो फोकस जो है वो कंटिन्यूसली सब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैमरा सेटिंग्स में दोस्तों, वो है आपका ISO। यहाँ पर ज़्यादातर मैं इस तरह के शॉट्स में ISO ऑटो रखता हूँ, क्योंकि जब आप नेचुरल लाइट में शूट करें तो लाइट यहाँ से वहाँ होती रहती है, पता नहीं चलता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। अगर आइडियल लाइटिंग कंडीशन है तो आप अपने हिसाब से ISO रख सकते हैं, बट ऑटो ISO इज़ मच मच बेटर। अब बात करते हैं ड्राइव मोड की, तो यहाँ पर ड्राइव मोड आपको हाई पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जितने अच्छे आपके कैमरा में फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतने चांसेस अच्छा है कि आपको एक शॉट उसमें से अच्छा मिले। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस से आपको काम लेना पड़ेगा। आप जिस तरह से पैन करें वो टेक्निक आपकी ठीक से होनी चाहिए, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो आप करिए, आप कोशिश करिए कि आपका जो हैंड मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ जाए। यानी कि अगर मान लीजिए आप कार का ले रहे हैं या स्कूटी का या बाइक का, तो उसकी स्पीड के साथ ही जो है आपको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जिस तरह से भी जिस डायरेक्शन में वो व्हीकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको उसी स्पीड के साथ में सिंक करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे खासे पैनिंग शॉट्स मिल सकते हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ शॉट्स और देखते हैं कि किस तरह से जो है हमें कुछ पैनिंग शॉट्स मिलते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर कोशिश की और कुछ अच्छे खासे पैनिंग शॉट्स हमें मिल गए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये शॉट्स बहुत ग्रेट हैं, बट दिस इज़ द होल टेक्निक टू गेट गुड पैनिंग शॉट्स। तो आप अपना कैमरा उठाइए, अपना लेंस लेके जाइए और आप इस तरह से खुली जगह में जाइए और वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए, तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छी पैनिंग फोटोग्राफी आप कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।